ब्लैक सी से रूस ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से नेवल फ्लीट ने बोला हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए आप, क्रूज मिसाइलों के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। ज्यादातर यूक्रेनी पावर प्लांट ले रहे हैं रूस, प्लांट रहे रूस के निशाने पर। ये बड़ी खबर, इसके बाद एक और विजुअल, सीधे आइए। बड़ी खबर, ब्लैक सी से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस, ब्रेक करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति के पूर्व प्रवक्ता का दावा। ब्लैक सी में रूस के 14 वॉरशिप अटैक के लिए रेडी, रूस के चार। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरफेस मिसाइल भी ब्लैक सी में है तैयार, ये बड़ी खबर है। मैं मनीष के पास सबसे कुछ ही क्षणों में आने वाला हूं। दिस इज एब्सोल्युटली स्टरिंग। खारकीव से सेना हटाने के पक्ष में नहीं चेचन लीडर, बड़ी खबर। रमजान कादिरोव ने फैसले पर जताई नाखुशी विद द विजुअल्स। कादिरोव ने शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही, रणनीतिक दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कादिरोव ने कहा। इसी में एक और खबर है, यूक्रेन युद्ध में नहीं, नई ताकत से लड़ने की तैयारी में कादिरोव की सेना विद द विजुअल्स। 1500 चेचन लड़ाकों की नई रेजिमेंट तैयार। हालांकि एक अंदर की खबर मैं आपको बताऊंगा जब मैं मनीष से बात करूंगा, उन्हीं की खबर है। बहरहाल, मार्च से ही चल रही थी चेचन वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग। मनीष के पास, मनीष अब देखिए मैं आपको एक्सपोज तो करूंगा नहीं, लेकिन थोड़ा मेरे नटखट तो हो ही सकता हूं। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि किसके तीर निशाने पर लग रहे थे, कहां गोलियां चल रही थी। बाय द वे, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, शलभ कुमार जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एक्सक्यूज मी, फ्रॉम शिकागो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आरएचसी उसके फाउंडर जो हैं, और ट्रंप की बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग की थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ट्रंप की। तो शलभ कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनको मैं इस शो में अगले 4 मिनट में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, अपने साथ इनको लूंगा। लेकिन मनीष, अब देखिए कादिरोव के निशाने कैसे लगते हैं हम सबको पता है, लेकिन चेचन क्या करेगा वहां पर? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुझे आज भी याद है जब हम लोग चेचनिया में थे, कादिरोव से मैं मिला था, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जाइए। फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया, और TV9 ने दिखाया भी था चेचन लड़ाके जो ट्रेनिंग ले रहे थे, और वो उनका एडवांस ट्रेनिंग सेंटर था। और वहाँ पर जो इशारा आप कर रहे हैं, कुल मिलाकर यह है कि जिस चेचन विद्रोहियों के नाम पर बड़ा डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो लोग जो गोली को निशाना लगा रहे थे, कोई निशाना लग नहीं रहा था। देखिए, बात सीधी सी है, आपके हाथ में बंदूक हो, हमारे हाथ में बंदूक हो, और सामने में निर्दोष हो, तो आप भी खूंखार लगेंगे। नहीं, लेकिन चेचन ब्लैक सी से रशिया वापस अटैक करने जा रहा है, मैं राइट हो रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ब्लैक सी में खास करके हम लोग जब क्रीमिया में सेवेस्तोपोल गए थे, जहां पर की ब्लैक सी का नेवल बेस हेडक्वार्टर है, वहां पर भी वॉरशिप हमने देखा था, वॉरशिप बहुत सारे वहां पर मौजूद है। और रूस की यही लगातार कोशिश है कि अगर अटैक क्रीमिया पे या बेलगोरोद के इलाके में होता है तो जवाबी कार्रवाई ब्लैक सी से वॉरशिप के जरिए होगी। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।